घूमने के लिए आपने सब डेस्टिनेशन देख लिए, लेकिन अब टाइम है उमरा जाने का। और आपके इस सफर को मुकम्मल करने आया है अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल, जहां कस्टमाइज और वैरायटी ऑफ पैकेजेस अवेलेबल है, जो आपके बजट में आए या फिर आपका मन हो लग्जरियस होटल के साथ पैकेज मिले, तो ये सब अवेलेबल है अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल। मल्टीपल डेस्टिनेशन फ्लाइट्स हैं, चाहे मुंबई से जाना हो या दिल्ली से। अल रहमान अपने क्लाइंट्स को हमेशा प्रीमियम फ्लाइट्स और अच्छे होटल्स के साथ ही पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल सिर्फ उमरा ही नहीं बल्कि सभी ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फिर देर किस बात की, फौरन कॉन्टेक्ट करें या अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल की वेबसाइट पर विजिट करें। नफरत के माहौल ने ले ली कंडक्टर मोहित यादव की जान, बस रुकाकर नमाज पढ़ाने के आरोप में गई थी नौकरी। यह है नए भारत की पहचान। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नए भारत का निर्माण बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। कैसा ये नया भारत है? नफरत ही नफरत है, जहर ही जहर है। हर एक देशवासी को एक दूसरे की तरफ शक की निगाहों से, अपराधियों की निगाहों से, आतंकवादियों की निगाहों से देखने का ये नफरत का बीज जो बोया गया था, वो कितना बड़ा पेड़ अब बन चुका है और उसकी छांव में आने वाला हर व्यक्ति इस जहरीली छांव से, इसकी इसमें भरे हुए जहर से कैसे मर रहा है। आइए आपको बता दे कि आपको पता होगा, गत जून माह में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक घटना घटी थी। बरेली से कौशाम्बी जाने वाली यूपी रोडवेज की बस में कंडक्टर थे मोहित यादव और इस बस के ड्राइवर थे केपी सेन। इन दोनों ने उस वक्त क्या किया, तो बरेली से कौशाम्बी जाने के दौरान रामपुर से पहले बस रोक दी क्योंकि कुछ यात्रियों को पेशाब के ले जाने थे। अब इस बात को तो मीडिया ने कहीं पर भी बताया नहीं कि कुछ यात्री पेशाब के लिए भी उतरे थे, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि कुछ दो यात्री मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि इतने वक्त में हम नमाज भी पढ़ लें। वो नमाज पढ़ रहे थे, उसी बात को मुद्दा बना करके सत्येंद्र नाम के एक यात्री ने इनसे बहस की। क्या बहस की, उसका वीडियो भी सामने आया था, वो वीडियो हम सबसे पहले आपको बता रहे। इस बहस के बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, यूपी रोडवेज बस अथॉरिटी से इसकी शिकायत की गई, परिवहन मंत्री जो सरकार के है उनसे शिकायत की गई। नतीजा ये रहा कि मोहित यादव और केपी सिंह की नौकरी छीन ली गई, नौकरी से दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। 17,000 रुपए तनख्वाह वाला कंडक्टर मोहित यादव सरकार के इस कदम से, यूपी रोडवेज बस अथॉरिटी के इस कदम से इतना परेशान था कि घर में अब खाने के लिए कुछ नहीं। अंत में मोहित यादव ने चलती ट्रेन के सामने खुद को झोंक दिया, अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। ये नए भारत की एक पहचान है कि बदलता हुआ भारत देखिए किस तरीके के जहर और नफरत को आगे बढ़ा करके आपने इस हद तक पहुंचा दिया कि एक व्यक्ति जिसके पास एक अच्छी खासी नौकरी थी, महज 2 या 3 मिनट के समय के लिए मुद्दा बना करके, कुछ लोग पेशाब के लिए उतरे हैं तो कुछ लोगों ने उसी समय में नमाज अदा कर लेने की बात कही। और कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों कह रहे कि भाई कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्यों इस बात को तूल दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इसको तूल दी गई। तूल देने के बाद नतीजा आज यह है कि मोहित यादव, जो इकलौता अपने परिवार का कमाने वाला था, चला गया इस दुनिया से। रिंकी यादव उनकी पत्नी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, उनका वीडियो सामने आया है। देखिए कि किस तरह का ये दर्द बयान है रिंकी की जबान से, कैसे इस परिवार में सास ससुर है, वो है, बच्चे हैं और कमाने वाला अकेला मोहित था। कौन अब इस परिवार को देखेगा? वीडियो बनाने वाला देखेगा, नमाज को मुद्दा बनाने वाला देखेगा, या फिर इन चीजों का संज्ञान लेकर के इसमें एक विभागीय जांच करके छोटी मोटी सजा दी जा सकती थी, नौकरी से बर्खास्त करने जितना ये बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन हिंदू तुष्टिकरण की नीति उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र की प्रधान सेवक मोदी की सरकार जो चला रही है, तो उस तुष्टिकरण की नीति का, नए भारत बनाने का ये नीति का जो नतीजा है वो ये है कि मोहित यादव जान से चला गया, उसका परिवार जो है वो बेसहारा हो गया। अब उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मोहित यादव के परिवार को कोई मदद देंगे, या उनके परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, या यूपी रोडवेज में कोई नौकरी देंगे? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब देगा कौन, क्योंकि
जलते हुए देश के एक राज्य पर अगर कोई बोलने तैयार नहीं है, महिलाओं की बिल्कुल जो एक निंदनीय जो हरकतें महिलाओं के साथ की गई उस पर बोलने कोई तैयार नहीं है, देश में हुए बड़े बड़े घोटालों पर कोई बोलने तैयार नहीं है, तो ऐसे में एक अदना से कंडक्टर के जान चली जाने पर और उसके परिवार के बेसहारा होने पर किसको क्या फर्क पड़ेगा। वाह रे वाह योगी आदित्यनाथ जी, आपका राम राज्य जिसने आज एक परिवार को बेसहारा कर दिया। सर मेरा नाम मोहित यादव है। मोहित यादव जी आप किस पद पर तैनात हो? हम बरेली डिपो परिचालक पद पर तैनात, समझा परिचालक। क्या हुआ है आपका? हुआ यह था कि कल मेरी ड्यूटी लगी थी 7 बजे, एक गाड़ी मेरी जा रही थी बरेली से कौशाम्बी के लिए जर्रत, उस गाड़ी मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, गाड़ी नंबर यूपी 32LL0323, उस पर मेरी ड्यूटी थी बरेली से कौशाम्बी की। उसमें मेरी गाड़ी में सवारी कम हो, 6:45 पर 2 मुस्लिम सवारी आई, मैंने कि भैया 2 मिनट के लिए मुझे नमाज पढ़ा देना कहीं पर भी। तो मैंने कहा ठीक है, रोक के हम नमाज आपको पढ़ा देंगे 8:30 बजे के बीच में कहीं ना कहीं। तो इसी कारवक मेरी गाड़ी का समय हुआ 7 बजे, गाड़ी चलते चलते 8:25 हो गए, 3 सवारी आई पेशाब करने के लिए कि भैया मुझे पेशाब करा दो, तो हमने गाड़ी रुकवा दी। तो उसी दो जो सवारी नवाज के लिए हमसे जो बोली कि भैया आप भी मान लो 2 मिनट समय आए, 2 मिनट में पेशाब भी कर लेंगे तो आपकी नवाज भी हो जाएगी, तो 2 सवारी उनको भी हमने बुला कर नवाज पढ़वा दी। कहाँ पे रुकी है? ये मलक और रामपुर के बीच में। तो उन लोगों ने अपनी चादर बिछा के नवाज पढ़ने लगे, सवारी पेशाब करके आई, इतनी देर में वो भी नवाज पढ़ के आ गए, ज्यादा देर की नहीं 2 मिनट रुकी होगी, 2 मिनट में ही उन्होंने नवाज पढ़ ली, नवाज पढ़ के आ गए। इसी समय किसी सवारी ने मेरी गाड़ी से वीडियो बना ली, ये सरकारी गाड़ी है आप रोक के नवाज पढ़ा रहे, पेशाब के लिए नहीं उनने वीडियो बनाई, नवाज वालों के लिए उनने वीडियो बना ली कि नवाज क्यों पढ़ा रहे, ये है वो। उन्होंने हमसे बहुत कुछ कहा पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चलो भैया अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने की गलती हो गई मुझसे, मैं गलती मान रहे हैं, नवाज के वाले अगर मान लो अगर नवाज पढ़ रहे हैं तो मैं उन्हें उठा भी नहीं सकते। तो यही बात हुई मेरी गाड़ी में और कोई। इस चक्कर में हमारे ARM साहब ने हम परिचालक मोहित यादव की समझा खत्म कर दी, हमारे KP सिंह चालक हैं उनकी सस्पेंड कर दिया है। कितना सही मानते हैं भैया? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आखिर में अगर सवारी पेशाब करने के लिए गए, 2 मिनट में सवारी में पेशाब की उन्होंने नवाज की है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे अगर इसका रूल फॉलो कुछ भी नहीं रखाने के लिए।
किसी भुखमरे से मेरे पति ने आत्महत्या की है सर। मुझे न्याय दिलाइए दीपक चौधरी, आपके हाथ में सब कुछ है। मुझे न्याय दिलाइए दीपक चौधरी, मुझे न्याय दिलाइए मुखमाले से। मेरा एक बच्चा 3 साल का है, मेरे पति बेरोजगार होकर मेरे पति ने कभी कुछ काम नहीं किया। कहते थे रिंकी हम नौकरी के अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मेरे पति बार बार बचना चाहते थे, आप कहते थे मुआयदा आ जाओ हम आपकी सुनेंगे, पर जब जब जाते थे आपने मेरे पति की कभी नहीं सुनी। सर आप मेरे पति भी कसूर थे, तुमने मेरे पति की एक भी नहीं सुनी। कहते थे सर मैं भी कसूर है, मुझे मत निकालो, मेरी नौकरी समाप्त मत करो। पर मेरे पति ने आपकी किसी वीडियो वायरल कर ली, उसी सारी वीडियो वायरल करी, उसी मुख्यालय में वीडियो वायरल हो गई, उसकी सुन के उनकी नौकरी समाप्त। Thank you.